नमस्ते। टाटा स्टील 2021 स्टार्ट हो चुका है कोलकाता में, जो कि एक रैपिड एंड ब्लिट्स इवेंट है। यहां पर पहले खेला जाएगा रैपिड इवेंट, जिसका टाइम कंट्रोल है 25 मिनट्स प्लस 10 सेकंड इंक्रीमेंट, और इस टूर्नामेंट का प्राइस फंड है $40,000। इसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी खेल रहे हैं, जैसे कि लेवॉन अरोनियन, विदित गुजराती, परहम मकसूदलू, सैम सैंकलिन, अदिबान प्राग। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इवेंट। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ फोटोज देख लेते हैं। ये देखिए विदित का मैच अदिबान से जो आज हुआ, उससे पहले की फोटो। नेक्स्ट फोटो आप देख सकते हैं आनंद की, यहाँ पे एरिगेसी और परहम मकसूदलू के साथ, और ये क्यूट सी फोटो प्रगनंदा की। अब हम लोग मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो आज अदिबान ने विदित गुजराती के अगेंस्ट खेला। तो यहाँ पर बीस्ट के पास थे व्हाइट पीसेस और गेम की शुरुआत होती है e4। तो e5, नाइट f3, नाइट c6 और बिशप c4 इटालियन की। बिशप c5 जियोको पियानो, जो कि विदित का फेवरेट है e5 में। यहाँ पर आप काफी कुछ खेल सकते हैं। आप खेल सकते हैं c3 में भी कैसल, नाइट c3 और सुपर कूल b4 इवांस गैम्बिट। लेकिन हमारे गेम में खेला जाता है d3, नाइट f6 और तुरंत ही बिशप आता है इस नाइट को पिन करने के लिए। h6, बिशप h4 और d6। यहाँ पर आप g5 भी खेल सकते थे, क्योंकि आपका किंग कैसल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर विदित खेलते हैं d6। c3, अब देखिए c3 मूव काफी इंपॉर्टेंट मूव है यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक अगर केयरफुल नहीं है और खेलता है b6, तो यहाँ पर व्हाइट सिंपली विन कर चुका है। बिशप d5 मूव विनिंग है, आप ओपनिंग में ही जीत चुके, क्योंकि नाइट पिंड है। बिशप b7 पे आ रहा है, बिशप कैप्चर्स नाइट, क्वीन कैप्चर्स बिशप, और b4 इस बिशप को ट्रैप कर लेगा। इसीलिए c3 के बाद आता है a5, इस बिशप के लिए रूम बनाते हुए। नाइट bd2, बिशप a7, अपने बिशप को सेव करते हुए, और व्हाइट कैसल करता है। और फाइनली यहां पर आता है g5। तो हम अपने गुड फ्रेंड डार्क स्क्वायर बिशप को पीछे लेंगे, और यहां पर विदित कैसल करते हैं फाइनली। यहां पर आता है a3, अपने गुड फ्रेंड लाइट स्क्वायर बिशप के लिए रूम बनाते हुए। नाइट h7, फ्यूचर में अगर f5 आएगा तो हम लोग इसीलिए यहां पर खेल रहे हैं नाइट h7। अगला मूव हो सकता है किंग h1, इस पिन से बाहर आते हुए। यहां पर अदिबान बाहर आते हैं इस डार्क स्क्वायर बिशप के पिन से, और विदित भी सेम करते हैं। b4, क्वीन साइड पर कुछ प्ले क्रिएट करने की कोशिश करते हुए, और h5। आप देख सकते हैं दोनों प्लेयर बोर्ड के ऑपोजिट साइड पर प्ले क्रिएट कर रहे हैं। b5, और यहां पर क्रिटिकल पोजीशन है। यहां पर खेला जाना चाहिए था नाइट b8, इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन हमारे गेम में खेला जाता है नाइट e7, और ये ब्लंडर है। ये ब्लंडर इसलिए है क्योंकि यहां पर आ रहा है नाइट कैप्चर्स g5। नाइट कैप्चर्स g5 पर क्वीन कैप्चर्स h5 चेक, नाइट h7, तो f4 मूव सिंपली विनिंग है। आप यहां पर कुछ भी खेल लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बिशप e3। तो हम लोग यहां पर नाइट भी सेक्रीफाइस कर देंगे। नेक्स्ट मूव यहां पर आ रहा है बिशप h4। आप क्या खेलेंगे, कुछ भी, लेट्स से डी कैप्चर c5, तो सिंपली बिशप h6 चेक, f6 चेक, किंग g8, और यहां पर बिशप कैप्चर्स e5। आप देख सकते हैं ये किंग बस्टेड है, इसीलिए यहां पर नाइट e7 के बाद नाइट कैप्चर्स g5 मूव ऑन द स्पॉट विनिंग था। लेकिन यहां पर अदिबान ने मिस किया और खेला बिशप कैप्चर्स e5 चेक, जो कि रॉन्ग सैक्रिफाइस है पोजीशन में। पॉन कैप्चर्स बिशप, नाइट कैप्चर्स पॉन, और यहां पर देखिए थ्रेट है कि नाइट कैप्चर्स f7 चेक, इसीलिए किंग g7 कि अगर नाइट कैप्चर करे तो हम लोग रुक से कैप्चर कर ले, और यहां पर एक पॉन और रुक के बदले में दो माइनर पीस मोर देन इनफ होते हैं, इसीलिए यहां पर आता है f4। लेकिन f4 अब उतना डेडली नहीं रहता है, क्योंकि यहां पे सिंपली पोजीशन क्लोज की जा रही है g4 के साथ। अब हमारी क्वीन जंप नहीं कर सकती। d4 यहां पर सेंटर में एक्सपेंड करते हुए, और f6। देखिए कितना कमाल सीक्वेंस होता है मूव का। पहले विदित खेलते हैं f6, फिर जब नाइट पीछे जाता है फिर आता है f5, क्योंकि अब नाइट वापस आता है गेम में, उसके बाद नाइट f6। इस पॉन को हटाते हुए फिर यहां पर नाइट आया, क्वीन e2। यहां पे क्वीन e2 मूव इसको प्रोटेक्ट करता है, मे बी क्वीन को एक्टिव स्क्वायर पे रखता है, लेकिन यहां पे कुछ वर्क नहीं कर रहा। सिंपली यहां पे आता है एफ कैप्चर्स e4, नाइट कैप्चर c4, नाइट कैप्चर c4, क्वीन कैप्चर c4 और बिशप f5 टेम्पो के साथ। क्वीन कैप्चर्स b7, अब ये देखिए क्वीन ट्रैप हो गई समवॉट, क्योंकि यहां पर आ रहा है बिशप b6। नेक्स्ट मूव ये पॉन पुश हो जाएगा और ये क्वीन थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाएगी। g3,
और देखिए जी थ्री मूव इस डायगनल को ओपन करता है। यहाँ पे पहले आता है सी सिक्स, बिशप ई फोर चेक प्रिपेयर करते हुए, नाइट कैप्चर सी सिक्स और बिशप ई फोर चेक, किंग जी वन, बिशप कैप्चर सी सिक्स, पॉन कैप्चर सी सिक्स और रुक ए सेवन क्वीन को अटैक करते हुए। तो यहाँ पर आपके क्वीन के पास कोई स्क्वायर नहीं है, इसीलिए सी सेवन, क्योंकि अगर आप व्हाइट की क्वीन लेंगे तो व्हाइट आपकी क्वीन ले लेगा, और यहाँ सब कुछ ट्रेड के बाद भी थोड़ा सा बेटर कोई है तो ब्लैक है। लेकिन यहाँ पर पहले आता है क्वीन कैप्चर्स डी फोर चेक, पॉन कैप्चर्स क्वीन और फिर रुक कैप्चर्स बी सेवन। अगर आप प्रमोट कर लेंगे तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पहले खेलेंगे बिशप कैप्चर्स डी फोर चेक, फिर किंग एच वन के बाद हम लोग अब कैप्चर करेंगे क्वीन को। आपका बिशप अटैक्ड है, रुक अटैक्ड है, आप क्या क्या बचाएंगे, इसीलिए पहले यहाँ पर आता है किंग जी टू। फाइनली कैप्चर होता है रुक कैप्चर सी सेवन। अब देखिए आपके बिशप पे भी अटैक है, ये पॉन भी हैंगिंग है। यहाँ पे वाइट डिसाइड करता है रुक एफ ई वन खेलने का, कि अगर रुक कैप्चर करे बिशप को तो ये रुक कैप्चर कर ले नाइट को। लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं होने वाली विदित से, सिंपली बिशप कैप्चर डी फोर और यहाँ पर आप क्या ही खेलेंगे। गेम में कुछ मूव चलता है जैसे कि रुक ए डी वन इस बिशप को अटैक करते हुए, लेकिन सिंपली नाइट एफ फाइव आता है, नेक्स्ट मूव बिशप डी थ्री, लेकिन नाइट ई थ्री चेक के बाद यहाँ पे अधिवान रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि आप फाइनली आपको रुक देना पड़ेगा और नेक्स्ट डे एंड गेम विदित के लिए आराम से विनिंग है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की डे वन के बाद। तो डे वन के बाद का रिजल्ट ये रहा, लेवॉन इस वक्त सोल लीडर है टूर्नामेंट के डे वन के बाद पूरे 3 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट है प्राग 2 पॉइंट, अर्जुन एरिगेसी और विदित 2 पॉइंट के साथ। देखते हैं आगे टूर्नामेंट में क्या होता है, तब तक के लिए बाय।